हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक सुंदर सी तोरण झालर वाली बनाना सिखाऊंगी, जो लड़ियों वाली है, एक खूबसूरत लड़ियों वाली झालर। फ्रेंड्स, आप इसे वो किसी भी कलर में बना सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही प्यारा एक कलर है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आप कोई भी दो कलर में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, इसकी तोरण पट्टी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो में रखी हूँ, वहाँ से आप तोरण पट्टी देख सकते हैं। बाकी सजाने का काम मैंने इस वीडियो में दिया है। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। झालर की लड़ियाँ बनाने के लिए पहले मैं एक चेन बनाऊंगी। मैंने सफ़ेद कलर में बनाया है, लेकिन मैं रंगीन कलर में आपको दिखा रही हूँ, रेड कलर में। एक चेन, दो, तीन, एक, चार। फर्स्ट में हम पांच चेन लेंगे, फिर यहाँ से हम पफ स्टिच बनाएंगे फर्स्ट वाले चेन में से, इस तरह से। एक, दो, ये तीन लूप हो गए ना, एक, दो, तीन। इन तीनों को मैं एक में करूँगी, ये इस तरह से। फिर एक चेन, दो, तीन, चार। फिर यहाँ से क्लियर मैंने लूप। फिर ये जो फर्स्ट वाला है इसमें आएंगे इस तरह से, एक, दो, तीन, तीन हुए। फिर इस तरह से निकाल लेंगे, एक लड़ी बन गई, एक, दो, तीन, चार। यहाँ हम इस तरह से लिए, इस तरह से। फिर एक लड़ी, तीन हो गया। इस तरह से हम जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी लड़ी बना लें, छोटी बड़ी करके बनाना होगा। ये जब हवा चलती है ना तो ये लड़ी बहुत अच्छी लगती है, झूलती है। एक, दो, एक, तीन। इसी तरह से जितनी लड़ियाँ चाहिए हमें हम बना लेंगे, छोटी बड़ी। मैंने पहली लड़ी जो साइड की बनाई है वो 24 लड़ी का बनाया है मैंने। फिर उसके बाद दो दो मैं घटाती चली गई साइड से। इन लड़ियों में मैंने नीचे टैसल्स लगाया, वो मैं बना के आपको दिखा देती हूँ अभी। और ये जो लड़ियाँ हैं ना, ये सबसे पहली वाली 26 है, फिर मैंने इसमें से दो घटा के इसे 24 किया है। फिर इसी तरीके से मैं घटाते घटाते एक एक लड़ी को लेके आके सामने में ये दो लड़ी पे की हूँ, क्योंकि मेरे जो फूल हैं ये ना, ये पूरे 13 हैं, इसीलिए मुझे इसी हिसाब से रखना। आपके जितने लंबे गेट का तोरण होगा उसी हिसाब से आपको बनाना होगा। फिर मैं इसे दिखाती हूँ आपको। मैंने तीन ये उंगली का इस्तेमाल किया, एक का नहीं, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा ले लें, चार का भी कर सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, एक, बारह।
बारह बार मैंने इसे लपेटा। फिर मैं यहाँ से निकाल लूँगी और एक बार इसको बांध लूँगी इस तरह से। मैं इसे बांध लूँगी। इस तरह से हो गया है। अब मैं इसे सीधा रखूँगी इस तरह से। इसको ये चकनी गांठ इसके अंदर नीचे चली जाए। फिर इस तरह सीधा करके अच्छे से पकड़ लेंगे। ये छुप गया जो बांधा हुआ है। और फिर इसी कलर को फिर हम ओढ़ लेंगे और इसको ऐसे राउंड में घुमा देंगे। कोई कोई तो दूसरे भी कलर से इसको गांठ को बांधता है, अपोजिट कलर से भी। मैंने ये बांध दिया, टाइट किया और इसके बाद इसे कट करूँगी इस तरह से। फिर मैं इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से और इसे कट करूँगी। और ये देखिए ये हो गया। अब इसे यहाँ बराबर सीधा करके मैं कट कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से देखिए हो गया ये। और ये जो लड़ियां हैं इनमें मैं सुई सूता से टांग दूंगी, जैसे मैंने सुई सूता से पतली वाली सुई से इस तरह की सूता से टांगेंगे तो बहुत मजबूत भी होगा और अच्छा भी हो, दिखाई भी नहीं देगा कुछ खास। ये हो गया। इस तरह से मैंने एक टेसल लिया और इसमें ऐसे नीचे से रखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ इस तरह से रख दूंगी। इसे पीछे के साइड से रखना होगा, सीधे के साइड से नहीं, पीछे के साइड से इस तरह से। यहाँ से मैं इसे टांग दूंगी। थोड़ा सा सावधानी से करना होगा नहीं तो ये फंस जाता है। पतली सूते से ठीक रहेगा, वूलन से ना ये दो कलर के हैं तो समझ में नहीं आएगा किस तरह से। आप एक कलर के भी टेसल्स लगा सकते हैं केवल, पर मैंने दो कलर लगाया है। इस तरीके से बांधने में ये बन गया और मैं इसे कट कर दूंगी इस तरह से। इसे इसे थोड़ा छोटा कर दूंगी ताकि दिखाई ना दे। ये देखिए आपका टेलर से रेडी हो गया इस तरह से। ये हो गया। अब मैं आपको फूल में ना मोती लगाना सिखा देती हूँ। पहले हम इस तरह से बना लेंगे, फिर ये फूल है इसका। ये मैंने मोती लगाया है। फिर यहाँ मैं पीछे जाऊँगी, इसमें जो सूता होता है ना थोड़ा सा खींच के टांग दूँगी और इस दोनों को यहाँ पकड़ के पहले यहाँ दो टांग लगा दूँगी इस तरह से। इस तरह से दो टांग हो गया। अब मैं सामने की साइड में चली जाऊंगी यहाँ से इस पर। मैं एक मोती लूंगी और इसे इस तरह से मैंने लगाया और पीछे ले जाऊंगी यहाँ से। एक ही बार तो ले जाना है
फिर यहाँ टाइट सिलाई करके बांध दूँगी इस तरह से, फिर यहीं कट कर दूँगी। इसी तरह से मैं सारी मोती को लगा दूँगी और इसी तरह से ये सारे एक दूसरे के आसपास करके लगा के फिर इसे साफ़ कर लें। अगर गंदा हो जाए बनाते वक्त तो इसे धुल लें अच्छे से, फिर उसके बाद में रखें, क्योंकि मैंने ये वाइट इस्तेमाल किया ना तो थोड़ा कभी कभी कुछ इसमें गंदा लग जाता है। इसको साफ़ करके अच्छे से फिर प्रेस एक बार गर्म करके और बंद कर दें, उसके बाद इसको अच्छे से मार देंगे तो एकदम सीधा रहेगा।